हेलो गाइस, मैं उलीशा, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गियो न्यूज़ में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि आपके बालों से चीन कितना कमा रहा है? चलिए, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। गाइस, दरअसल हाल ही में खबर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और इसे लेकर आंध्र प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई। म्यांमार सीमा पर सुरक्षा बलों ने 2 महीने पहले तिरुपति मंदिर में कराए गए मुंडन के बालों की खेप की तस्करी कर रहे लोगों को पकड़ा और ये मुद्दा भावनाओं से जुड़ा हुआ था, इसलिए प्रतिक्रिया आना तय था। जानकारी मिली कि मुंडन के बालों की खेप की कीमत करीब 1 करोड़ रुपये थी और इसे चीन भेजा जा रहा था। म्यांमार सीमा पर अक्सर सोने या जंगली जानवरों की तस्करी की खबरें सुनने को मिलती है, मगर असम राइफल्स ने 2 महीने पहले इंसानी बाल की 120 बोरियों के साथ तस्करों को पकड़ा और 20 मार्च को असम राइफल्स ने इस बारे में जानकारी दी। तमाम विवादों के बीच मन में कई सवाल उठते हैं। आखिर चीन इन बालों का क्या करता है? इससे चीन को कितनी कमाई होती है? बालों का बाजार आखिर कितना बड़ा है? जब इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई तो इनसे ड्रैगन का फायदा जानकर होश उड़ गए। चीन के हैनान प्रांत का जुगान शहर, जिसे सिटी ऑफ हेयर पीस भी कहा जाता है, चीन की सेनालिया लाइफ वीक मैगजीन की माने तो वहां से हर 2 सेकंड में कोई ना कोई विग बनकर दुनिया के किसी ना किसी देश में बेचा जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विग बनाने का कितना बड़ा कारोबार चीन में चल रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा विग इसी चीनी शहर में बनते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ 100 साल से भी ज्यादा समय से विग बनने का कारोबार चल रहा है। एक अनुमान में भी बताया जा रहा है कि 2017 में 240 कंपनियां और 3 लाख से ज्यादा लोग इस कारोबार में शामिल थे। दुनिया भर में विग का जितना बाजार है उनमें से 70% अकेले चीन का कब्जा है, वे दुनिया भर में सप्लाई करता है। चीन के विग कारोबार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। विग के लिए कच्चा माल, इंसानी बालों से बने विग, केमिकल फाइबर विग और दूसरी चीजों से बने विग। हैनान प्रांत के अलावा शैनडोंग और हिजियांग में भी बड़ी संख्या में विग बनाने का कारोबार चलता है। गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।